तन्वी, मेरा सवाल आपसे है कि आप 27% मुसलमानों से, आपको लगता है कि 2021 की आपकी वैतारणी यानी कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए जिस पर बीजेपी ने आपके प्रदेश में सेंध लगाई है उसी पर अब आपकी नजर है और उन्हीं बहुसंख्यकों को रिझाने के लिए ममता का ये कदम है? मुसलमान क्यों कैसे आप मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? हमारे बंगाल में मुसलमान के अलावा भी सिख, ईसाई सब धर्म एक साथ रहते हैं। हम लोग जाति धर्म के विभाग नहीं करते हैं। और सिर्फ ये सब क्यों, ट्राइबल्स है जो सांसद है उसके भी उसका भी सोच लीजिए, हम लोग उसको भी उतना ही जोर बीजेपी नहीं देता है। जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी है उसके ऊपर अत्याचार करते हैं गुजरात में। अरे सबसे ज्यादा जो पैसा पीछे दिया गया है पिछले बजट में 3,470 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया। चारू पूरे बजट का प्रोफेसर तिवारी, चारू कुछ कहना चाह रही थी आप यहाँ पर हमें। चारू आप तन्वी की बात से सहमत है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मनीष जी धन्यवाद। मैं तन्वी जी को आईना दिखाना चाह रही थी। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देखिए जितने पॉलिटिकल मर्डर्स वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं पूरे देश में इतने नहीं हो रहे। दूसरी बात, जिस तरह सचिन भल्ला आप रुकिए प्लीज। देखिए सचिन जी, अगर आपको मेरी सच्ची बातें कड़वी लग रही है, चुभ रही है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो मैं आपको बोल रही हूँ ये सत्य की बातें हैं, सच्चाई है। दूसरे दिन हमारे पास खबर आती है कि चारू की बात वहाँ पर अगर उसी तोड़ता है बीजेपी, सुन लीजिए, यूपी में दुर्गा मूर्ति तोड़ता है बीजेपी, सुन लीजिए। अरे आप तो दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं करने देती है, आप राम नाम कहने वाले को आप थाल नोचने की बात करती है, क्या बात कर रही हैं आप? मुसलमानों का तुष्टिकरण करती है, मौलाना को इजाफे बांटती है, बनाया गया लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके घूमती है ममता दीदी। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री सड़क पर उतर के जनता को धमकी देती है, उस प्रदेश में क्या स्थिति होगी आप ये समझ लीजिए। तो जो असली मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वहाँ पर जो असली मुद्दे हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के, असली मुद्दे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के, असली मुद्दे हैं कि क्रिमिनल बांग्लादेश से आए हुए क्रिमिनल बंगाल में रह के मदरसा चलाते हैं, जिनके ऊपर अभी क्रैकडाउन करा है एनआईए ने। इन असली मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ममता दीदी ये पूजा पाठ का ड्रोन करती है। अगर उनको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट होता, आप बता रहे हैं 8 साल से सरकार चला रही है, 8 साल से दिखाई दिया किसी को? हमको तो नहीं दिखाई दिया। आप ये मानते हैं कि 2021 का चुनाव ही उनके सामने है, क्योंकि बीजेपी ने तो चुनाव में साबित कर दिया। देखिए नए नए चुनाव के इनके सलाहकार गए हैं। तन्वी आपका ऑडियो चालू है, तन्वी आप ऑन एयर हैं। उस सलाहकार ने पहले उन्होंने सलाह दिया कि ममता बनर्जी का इमेज ठीक करने के लिए ये इमेज ठीक करना जरूरी है कि कट बने, पीडीपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ता वापस करें, डॉक्टर दत्ता गांव को छोड़ के भाग, डॉक्टर दत्ता। दूसरा उन्होंने सलाह दिया कि सॉफ्ट हिंदुत्व के अपने एक्सपोजर को लाए, और ये इनके पास बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ से लोग ये लेना चाहते हैं, ये एक दूसरे को लड़वाते हैं, और हनुमान हिंदुस्तान को तबाही की जगह लेकर जा रहे हैं, ये एक दूसरे से जोड़ने की जगह हर धर्म को अलग लेने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं का दमन किया गया है, उसके खिलाफ पूरा का पूरा हिंदू समाज सचिन भल्ला यार हो गया। आप शांत रहिए तन्वी आप जिस हिसाब से बंगाल का गुणगान कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा खुशहाल राज तो देश में कहीं नहीं है। क्या कह रही है ये? हटर लोग को नरक लोग बना दिया ममता बनर्जी ने पिछले 8 साल में, अरे इसीलिए तो जिहादी बंगाल बना दिया,
हिंदुओं का रहना मुश्किल है वहाँ पे। अरे अभी एक रिपोर्ट आई है गृह मंत्रालय की जिसमें मदरसों में आतंक के अड्डे हैं, इस बात का भी जिक्र किया है, आप उस बात का जिक्र नहीं कर रहे। बांग्लादेशी घुसपैठिया का ही घुसपैठिया और ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है। डॉक्टर दत्ता क्या बंगाल पूरे तौर पर खुशहाल राज्य है जैसा तन्वी कह रही है? लड़के नजर आते हैं सचिन डॉक्टर दत्ता नाम नबी में ये तो कहना कहते मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ममता दीदी जिस हिसाब से कहती ना कि बंगाल में खुशहाली के सिवा कुछ नहीं है, शायद एक अंधा भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा, क्योंकि जिस तरह का दलदल में और जिस तरह के अंधेरे में ममता दीदी ने बंगाल को धकेल दी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी आज के डेट में कहती है ना जॉय बांग्ला जॉय बांग्ला। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ, ममता दीदी से ये जो समय मिला है ना बंगाल बंगाल के बाहर खिला है क्या? वो बंगाल के बाहर खिला है कमल, वो हमारा कमल जो है ना वो बंगाल में ही खिला है। ममता दीदी आपने गिरिबान में झांक के देखे कि सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है।